ज्यादा म्यूट हो जनरल डब्बा एकदम खचा खच वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरू करते हैं एक और ब्लॉग नए टाइम नई शुरुआत के साथ। तो 10 बजने वाले हैं सुबह के और मैं ड्यूटी को जाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें और देखिए ये कितने सारा जो आप देख रहे हैं हरे हरे जो पेड़ बीच रोड पर जो लगे हैं बीच में, ये और इस हाईवे की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपको पीछे बिल्डिंग दिख रही है वो एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग। और ये तालाब के किनारे बना है ये रोड, जहाँ तक आप लोग ये देख रहे हैं पूरा इस रोड की खूबसूरती का काम BMC करती है, मतलब भोपाल नगर निगम या भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये देखो कितनी रफ्तार में दो कारें चल रही हैं आगे। ये बगल में एक ये पार्क आ गया, सेल्फी पार्क, इसमें बच्चों के खेला कूदने की बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए सब आ गई यार, विदिशा जावे वाली ट्रेन लो, हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस आ चुकी है। अब चलते हैं घर के लिए इससे, पूरी एक घंटा लेट हो गई यार, और मैं 1.5 घंटा लेट हो चुका हूँ, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हाँ तो भाई रेड सिग्नल आ गया एकदम से। हाँ कभी कभी जल्दी रहती है, तब जब रेड सिग्नल मिलता है तो थोड़ा लगता है कि यार ग्रीन मिलना चाहिए था। चलो कोई गल नहीं, कमला पार्क और कमला पार्क बस स्टॉप। ग्रीन भोपाल, ब्यूटीफुल भोपाल, TR4 चिराग हॉस्पिटल्स, मंडीदीप सिमरई, दौलत राम।
प्रेगनेंसी की वजह से है ना, श्री महावीर हनुमान मंदिर। भैया लाइक भी कर लेना चाहिए भाई को, फॉलो भी कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, जो पड़े वो कर देना चाहिए यार। लो रंगमहल चौराहे पर आ गए और रेड सिग्नल मिल गया। रंगमहल टाकिस में पास वो लगी है अभी पठान मूवी, और इस साइड बाटा का शोरूम है कॉफी कॉर्नर। सब दिन काम करने के बाद मार्केट गया था, कंबल खरीद के लेकर आया हूँ, और बस पकड़ने आया था जल्दी जल्दी, पर ये दूसरी आ गई, वो तो आ नहीं पाई। रुपये में बर्तन कोई सी भी क्वालिटी का। पीछे ये देखो कलेक्शन, यहीं से वहीं तक पूरी दुकानें ही दुकानें। ये खाने के लिए लेडीज बैग, ये सभी आइटम। काफ़ी देर हो गई खड़े खड़े यहाँ स्टॉप पर, और अभी तक बस नहीं आई यार। ये देखो पूरा मार्केट, ये अंदर बस स्टॉप। सात बज के 20 मिनट पर स्टेशन आओ, पर 7:17 पर ट्रेन निकल गई जीटी एक्सप्रेस। अब पूरे पूरे एक घंटा बैठना पड़ेगी, फेरी फंड में आज एक घंटा स्टेशन बैठना पड़ेगी 2 मिनट के चक्कर में। ऑटो वाले ने लेट कर दो, ट्रेन निकल गई, अब 9 बजे आएगी डायरेक्ट। जब इंसान ना समझ रहे तो वह समय की कीमत पता नहीं रही। 1 मिनट के चक्कर में ट्रेन निकल गई, पूरा पूरा एक घंटा होगा बैठे बैठे, दिमाग को दही होगा। एक घंटा इंतजार करने के बाद हवाई गोंडवाना एक्सप्रेस रायगढ़ से भुसावल को जाने वाली हजरत निजामुद्दीन वाली आ गई। चलो अब चले ट्रेन में बैठेंगे यार। आ गई यार विदिशा जावे वाली ट्रेन, लो हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस आ चुकी है। अब चलते हैं घर के लिए, इससे पूरे पूरे एक घंटा लेट हो गई यार, और मैं 1.5 घंटा लेट हो चुका हूँ, पर ठीक है देर आए दुरुस्त आए। हाँ तो भाई गोंडवाना से जा रहा है आज विदिशा, बहुत लेट हो गई, देर से 2.5 घंटा लेट हो गई यार। दर्शन डब्बा एकदम खचा खच मार रहा है। मार्केट से आते टाइम एक दुकान पर मुझे बहुत ही अच्छी एक फल की जो ठेला रहता है वो मिला, एक फल रखे था एक लड़का, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी रखे था, तो मैंने एक पैकेट ले ली ये स्ट्रॉबेरी, और ये एक पैकेट पूरा 40 रुपये का मिला है, तो इसमें से एक निकालेंगे। ये स्ट्रॉबेरी निकाली, और ये जैसे बेर रहते हैं वैसी स्ट्रॉबेरी लगती है। अच्छी लगी।